था आपका अपने चैनल इट्स रहमान कॉल फॉर यू में। तो कैसे दोस्तों आपसे भी, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों कल जो प्रैंक डाला था, तो वो हमारा फर्स्ट प्रैंक था, तो उस पर आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिखाया, कमेंट्स और लाइक किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम आपके लिए प्रैंक लाते रहेंगे, तो उसी के लिए आज हम फिर से शूट के लिए जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड प्रैंक है, वो आज हम शूट करेंगे। दोस्तों उस पर भी आप काफ़ी प्यार कीजिएगा। और दोस्तों अभी चलते हैं फिर, और क्या कहते हैं आपको, मैं इस ब्लॉग में एक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मेरी पहली अनबॉक्सिंग होगी, तो आप जरूर देखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा डाल दूँगा जिससे आप उसको परचेज कर सकोगे। तो चलिए चलते हैं पहले सूट के लिए। तो अभी बाइक उठाते हैं और चलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ। भाई आज हम जाने वाले इस वाली बाइक पे, तो ये इस बाइक की चाबी जो कि इसमें KTM की छल्ला है। तो अभी चलिए चालू करते हैं और देखते कि एक किक में स्टार्ट हो पाती है नहीं होती है। तो अभी ये फर्स्ट गियर मेरी, तो मैंने उसको न्यूट्रल में किया अभी, और अब करते हैं स्टार्ट फिर से। तो ये तीसरी किक में स्टार्ट हो गई है, और तब तक के लिए इसको भी छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए, फिर चलते हैं। पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि पेट्रोल इसमें भी कम था, तो आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी हाफ लीटर हाफ टंकी टैंक जो है वो फुल रहे या फिर पूरा फुल रहे। चलिए वह पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस ये देखिए क्या है, यहाँ पे जंपिंग के लिए है, और ये 10 रुपये में 5 मिनट के लिए जो है हम इस पर खेल सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। मैं अभी बुराड़ी आ गया था, तो और अभी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा रखे हैं, और काका भी इधर ये रहा, और सूरज भाई भी है, सब लोग हैं। तो अभी हम शूट कर रहे थे प्रैंक के, शूट करके अपना जो है अनिकेत भाई के घर पे आ गए, तो पीछे घर है, और अभी सारे भाई इकट्ठे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये भाई नया कहाँ से है, तो ये भाई भी पहले से दोस्त था। तो भाई आज ने भाई ने हेल्प की मतलब शूटिंग करने में, तो नीचे भी काफ़ी सारे दोस्त थे अनिकेत के, छोटे मोटे दोस्त थे। तो देखो तीन चार जो है दोस्त है निकल के, कोई छोटा तो कोई मोटू है, ये सुंदर है ये सुंदरी है, तो ऐसे ऐसे नाम है भाई। तो अभी अनिकेत भाई ने बुलाया था कि चलो घर पे अंदर चलते हैं, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे सूरज ने गलती से लाइट की जगह पंखा चला दिया, तो क्या कह रहे हो हाथ से चला दोगे बिजली की जगह। तो गाइज अभी यहाँ पे बैठे हैं, और ये है अनिकेत का यूट्यूब सेटअप जिसमें निकेत एडिटिंग करेगा, यही पे एडिटिंग होती है, और आने वाले में जो 500 एडिटिंग होगी वो भी यही पे होगी, है कि नहीं? नहीं। एडिटिंग भाई अभी अनिकेत सीख रहा है, मतलब यूट्यूब पे देख देख के मतलब कैसे एडिटिंग करते हैं। गाइज अभी सेकंड शूट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सेकंड शूट जो हम नीचे ही करेंगे अपने घर के पास ही। तो अभी इसका डाटा कौन रखता है? गाइज अभी देख पा रहे हो आप, अभी लड़ाई मची हुई है दो, तो देखो तो भाग रहे हैं, लेकिन कैसे रेत रेत ऊपर, तो अभी जल्दी खत्म हो गई है। गाइज यहाँ पे अलविदा कहने का समय आ गया है, और जो आज हमने प्रैंक किया था वो सब कुछ शूट कर लिया है। और प्रैंक गाइज प्रैंक बहुत खतरनाक है, और एंड में एक सीन हमारे साथ हो गया, वो आप प्रैंक में जरूर देखिएगा,
एंड बहुत मेहनत लगी है पूरे दिन में, वो वीडियोस बहुत बहुत ही अच्छी, आप बहुत पसंद करोगे और अपने एरिया में हमने बनाया। बस दोस्तों आपका साथ ही चाहिए बस हमें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और वीडियो बहुत जान लगी है और गालियां भी बहुत मिली है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और भाई को सपोर्ट करो, भाई यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं और इतने अच्छे अच्छे शूट आपके लेते हैं। आज तो उन्होंने लड़ाई भी ली है किसी की, अब लड़ाई किसकी है वो बताएंगे बाकी देखिए। तो गाइज अभी यहाँ से चलते हैं, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक अनबॉक्सिंग आपके लिए जरूर लाऊंगा, हर दिन लाऊंगा, तो आज के अनबॉक्सिंग मैं घर पे जाके करता हूँ, तो तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं घर पे जाके। गाइज अभी काफी सुबह से निकला हुआ था, तो काफी भूख लगी हुई थी, तो पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं भी रुका हूँ, और काफ़ी सुबह से भूख लगी हुई थी, तो मेरे को लगा कि चलो रुक के खा लेता हूँ, और बल्ले पापड़ी तो मेरी फेवरेट भी है, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे रुक के खा लेता हूँ, तो चलिए खाते हैं फिर। काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ये मेरी व्यू काफ़ी अच्छी लगती है बल्ले पापड़ी खाना। तो वैसे अभी मैं घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे अपनी बाइक जो है मैंने खड़ी कर दी है, और अब चलते हैं अंदर। घर पे आने के बाद जो है खाना पीना खाने के बाद, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, तो अभी उसी की अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं बैठा हूं, और आपको दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, और फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग है, तो माफ़ कीजिएगा अगर अच्छी अनबॉक्सिंग नहीं हुई तो, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट लूँगा, तो चलिए देखते करते हैं अनबॉक्सिंग। हम जिस चीज़ की करते हैं वो ये नेक बैंड है, जो कि मैक पावर का है, एक्स्ट्रा बेस हेडफोन है जो है, आप देख पा रहे हो ऐसा कुछ, और साइड से ऐसा कुछ, और पीछे से ऐसा कुछ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अब इसको खोलते हैं, तो गाइस मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको फीचर बता दूं, जो ये है इस पे जो 48 आवर्स का जो प्लेबैक टाइम है वो इस पे यहाँ पे मेंशन हो रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, लेकिन इतना होता नहीं है, तो कम ही होता है, 5 to 6 आवर्स का होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, कई लोग कई का जो नेकबैंड मैंने देखे उनका तो 2-3 घंटे का होता है, तो चलिए इसको खोलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो है ये मेड इन इंडिया है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है पे, तो मेड इन इंडिया है, तो अच्छी चीज़ है, जो मतलब अपने इंडिया में ही बन रही है। तो फास्ट चार्ज प्ले टाइम आपको दिख रहा होगा कि 10 मिनट्स फास्ट चार्ज प्ले टाइम, तो दोस्तों 10 मिनट में फुल चार्ज होता है, अगर आप फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो सच में दोस्तों ये जल्दी चार्ज हो जाता है। तो अभी चलिए चलते इसको खोलते हैं, ज़्यादा वेट ना करते हुए तो इसको खोलते हैं पहले। ओ गाइस काफ़ी अंदर से पैकिंग काफ़ी अच्छी है, और जो डिज़ाइन है बॉक्स का वो भी काफ़ी अच्छा है, तो पैकिंग भी आपको दिख रही होगी काफ़ी अच्छी पैकिंग है इनकी। और अभी ये इसकी जो चार्ज करने के लिए जो केबल है वो ये है, ये USB टाइप बी है, तो कुछ ऐसे केबल इसके अंदर से मिली, और चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बार बाहर। तो गाइस ये है वो नेक पेंट जो कि मैक पावर का है, तो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रेचेबल है, और रबड़ में ये भी नहीं कि कोई हार्ड मटेरियल का यूज़ कर रखो कि क्रैक हो जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव लुक भी है, तो
चलिए इसको ट्राई करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे, मैं सुनता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने गाइस इसको कनेक्ट कर लिया है, तो कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। आप इसमें बीच में जो बटन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बटन जो है इसका ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, और ये वॉल्यूम के लिए अप और डाउन, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम करने के लिए दोनों है। और यहाँ पे कुछ इसकी लाइट ब्लिंक होती है इधर, तो आप इसका लाइट का सेंसर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे क्या साउंड क्वालिटी है इसकी। गाइस क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मेरे को इसकी, और बेस भी काफ़ी अच्छा है, और जो साउंड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो बेस ये भी ऐसा भी नहीं है कि बेस ज़्यादा है और साउंड की जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो लो है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। ये भी नहीं कि आपको जो ऐसा कोई म्यूज़िक होता है ना जो चुभने वाला म्यूज़िक होता है वो कानों में चुभता है, तो वैसा भी नहीं है। और जो उसका साइज़ और डिज़ाइन है भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, आपके कानों में बिल्कुल अच्छे से फिट होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये मैक पावर ने, काफ़ी अच्छा काम कर रखा है इस पर और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। तो और गाइज इसकी जो वारंटी है वो 3 मंथ्स की वारंटी होती है काउंटर से। और गाइज ये अभी जो मैंने यूज़ कर रखा है ये सिल्वर कलर का है, और बाकी इसकी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, यानी कि आप इसको 10 मीटर तक इसको यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ के माध्यम से। और बैटरी जो मैंने आपको बताई थी कि 400 mAh की बैटरी है। और दोस्तों अब फाइनली इसकी बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो गाइज आप चौंक जाओगे कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी, मतलब इसके हिसाब से लगता नहीं कि इसका प्राइस इतना कम होगा, क्योंकि क्वालिटी बात करो, वारंटी की बात करो, और जो है काफ़ी अच्छे है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, बॉक्स की जो पैकिंग है कंपनी ने उस पर भी काफ़ी फोकस कर रखा है। तो गाइज जो इसका प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 350। आप हैरान हो जाओगे कि मतलब ये नेक बैंड इतना अच्छा होने के बाद भी इसके जो प्राइस है 350, लेकिन आप इससे आपको सस्ते भी नेक बैंड मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी की बात करोगे हाँ बहुत कम पाएगी, और लेकिन ये बिल्कुल सूट होती है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को लगा ये। और इसको अगर आपको परचेज करना है तो मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, और इसके लिए जो है मैं आपको फिर बता दूंगा। बाकी 350 का है, तो इसकी डिलीवरी भी है जो कि दिल्ली में फ्री है। तो गाइज इसको आप परचेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ आपके लिए। और गाइज मैं इसको बता रहा हूँ कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैंने पता नहीं क्या ले लिया क्या नहीं लिया, तो काफ़ी अच्छी आपको लगेगा लेने के बाद। और नेक बैंड दोस्तों इससे सस्ते भी आते हैं इससे महंगे भी, लेकिन मेरे को यही पसंद इसलिए आया क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये मेरी अनबॉक्सिंग थी, पहली अनबॉक्सिंग थी, तो मेरे को पता कि मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन कोई नहीं, अगली बार मैं ट्राई अच्छा करूँगा, इससे भी बेस्ट जो मैं अपना दूंगा। क्योंकि दोस्तों हर काम, मैंने बताया था कि हर काम एकदम से परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे करते तो परफेक्ट होता है। तो मेरे को लगा कि आपको अनबॉक्सिंग दिखानी चाहिए, कई लोगों के कमेंट आए थे कि भाई अनबॉक्सिंग भी दिखाओ अनबॉक्सिंग भी दो, मतलब मेरी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो से जो मैंने अपलोड की थी तो तभी से कमेंट आया था कि अनबॉक्सिंग भी करो अनबॉक्सिंग भी करो। तो मैंने सोचा कि यार अनबॉक्सिंग अब कर ही देते हैं, और जिन्होंने मेरी हेल्प की अनबॉक्सिंग इस प्रोडक्ट को, तो उनका तो मैं आपको नाम बताता हूँ, जो उनका भैया का नाम है वो है साहिल भैया, जिनका SPH मुसाफिर के नाम से चैनल भी है। तो गाइस काफ़ी उन्होंने हेल्प की और अब उन्होंने मेरे को दिया कि अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो मैं उनको भाई को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे होगे तो भाई थैंक यू आपको। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, नीचे के कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ मैंने आपको बताया था कि वो हमारा प्रैंक चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हमारी प्रैंक की वीडियो भी अब डेली आया करेगी। तो पहली वीडियो तो डल चुकी है, लेकिन आप उस पर जा सकते हो और उस पर भी अपना प्यार दिखा सकते हो। तो दोस्तों कीप सपोर्टिंग, और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए फिर से थैंक यू वंस अगेन। और जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।